Hello brilliant students, this time we are doing for class 9th exercise 6.3 का question number 6 जो कि last question है इस chapter का, lines and angles chapter का नाम है. question में क्या है, let us see. in the figure 6.44, आपको 6.44 figure दे रखी है आपकी book के अंदर. the side QR of triangle PQR is produced to a point S. जो पी क्यू आर एक ट्रेंगल है, इसकी एक साइड Q से R की तरफ बढ़ाई गई है S पॉइंट तक. इफ़ द बाइसेक्टर्स ऑफ पी क्यू आर एंड पी आर एस मीट एट पॉइंट T, अगर बाइसेक्टर पी क्यू आर के और टी आर एस पी आर एस मतलब एक इस एंगल का बाइसेक्टर और एक इस एंगल का बाइसेक्टर जो है आपस में जा कर के टी पर मिलते हैं, देन प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है क्यू टी आर, क्यू टी आर जो ये एंगल है हाफ है क्यू पी आर का, क्यू पी आर का. तो दोबारा से एक बार इस क्वेश्चन को देखते हैं. इस क्वेश्चन में क्या है, हमें दे रखा है एक ट्रायंगल पी क्यू आर के अंदर क्यू आर को बढ़ाया गया है एस पॉइंट तक. उसके बाद जो ये एंगल क्यू है, पी क्यू आर ये एंगल और ये एंगल, इसका बाइसेक्टर ड्रॉ किया गया है जो एक दूसरे को पॉइंट टी पर काटते हैं. हमें अब निकालना है, यानी कि हमें क्या दे रखा है, 5 और 6 दोनों एंगल इक्वल है, 4 और 3 ये दोनों एंगल इक्वल है. हमें अब निकालना है कि ये जो एंगल है इस एंगल का आधा है. ओके यानी कि हमें क्या निकालना है, क्यू टी आर, क्यू टी आर यानी कि एंगल 2 हाफ है क्यू पी आर यानी कि एंगल 1. ठीक है, तो इसके अंदर हम एंगल सम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे और साथ में इस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, ये दो एंगल जो इक्वल दे रखे हैं. ओके तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका. सॉल्यूशन में गिवन में क्या आएगा, एंगल 5 इजिकल टू एंगल 6, ये आपको गिवन है. ठीक है, और हमें क्या गिवन है, यानी कि और जो ये एंगल है पी क्यू आर, इस पूरे को नाम दे देते हैं 7. ठीक है, और एंगल 7 इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल 5, इस एंगल 5 का डबल हुआ क्योंकि हम इस एंगल का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए मैंने ऐसा किया है. और नेक्स्ट जो हम इस्तेमाल करेंगे वो इस 3 एंगल का इस्तेमाल करेंगे. ठीक है, तो चलिए एक बार देखते हैं, जिस चीज का जैसे जैसे इस्तेमाल होगा वैसे वैसे हम अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन कर लेंगे. इन ट्रायंगल टी क्यू आर बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के अंदर ये देखिए जो शेप कुछ ऐसी बन रही है, ये तो जो ये एंगल है इस दोनों एंगलों के सम के बराबर होगा, इसके साथ बन रहा है ये एंगल, यानी कि जो ये पूरा एंगल, इसको नाम दे देते हैं 8. ठीक है, तो इसका इस्तेमाल अब करते हैं एंगल 8. हमें एक चीज़ और दे रखी है, 3 इजगल टू एंगल 4 और एंगल 8 इजगल टू डबल ऑफ एंगल 3. ठीक है, इसका इस्तेमाल कर रहे हैं हम. तो हमने मॉडिफिकेशन कर दी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से. तो जो ये एंगल 8 है, अभी फिलहाल हमने कौन सा ट्रायंगल लिया, टी क्यू आर, टी क्यू आर के अंदर तो सिर्फ एंगल 3 आएगा. एंगल 3 जो ये एंगल है इन दो एंगलों के सम के बराबर होगा क्योंकि वेट सॉरी हाँ बिल्कुल ठीक है 2 और 5 के बराबर होगा. क्यों, एंगल 3 के साथ बन रहा है ये वाला एंगल, इसको छोड़ के इस ट्रायंगल के अंदर कौन से दो एंगल बचे हैं, एंगल 5 और एंगल 2. ठीक है, तो एंगल 3 बराबर होगा किसके, एंगल 2 प्लस एंगल, एंगल 2 प्लस एंगल 5. ठीक है, नेक्स्ट इन ट्रायंगल पी क्यू आर, वही एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होगा, जो ये एंगल 8 है, अभी भी बाहर का ही एंगल है ना, ये पूरा इस लाइन को बढ़ा रखी है और इस लाइन के साथ बना रहा है ये एक्सटीरियर एंगल,
ये एंगल इस एंगल और इस एंगल के सम के बराबर होगा, ठीक है। एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 7, ठीक है, ओके। तो एंगल 8 किसके बराबर है, हमने निकाला था ना 2 एंगल 3 के। एंगल 1 प्लस एंगल 7 किसके बराबर है, हमने निकाला था यहाँ पे 2 एंगल 5। प्रैक्टिस से ध्यान में रखते हुए आप ऐसा कर सकते हैं, या फिर अपने हिसाब से बाद में मॉडिफिकेशन कर लीजिए कि भाई सीधा डायरेक्ट 2 एंगल 5 क्यों किया, कैसे दिमाग में आया कि 2 एंगल 5 करना है, इन दोनों की रिलेशनशिप निकालनी है, तो वो प्रैक्टिस से आप कर पाएंगे। तो एंगल 3 की वैल्यू ये है ना बेटा, एंगल 2 प्लस 5, वो वैल्यू हम यहाँ रखेंगे। इसको नाम दिया 1, इसको नाम दे देते हैं 2, फ्रॉम 1 एंड 2। एंगल 3 के अंदर ये वाली वैल्यू रखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में एंगल 2 प्लस एंगल 5 इक्वल टू एंगल 1 प्लस 2 एंगल 5, इंप्लाई दैट 2 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ और 2 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ भी, तो 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 5 इक्वल टू हुआ एंगल 1 प्लस 2 एंगल 5। तो 2 एंगल 5 से 2 एंगल 5 कट गया, तो हमारे पास आता है एंगल 2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल 1, 2 इधर डिवाइड में चला जाएगा एंगल 1 के, तो एंगल 1 का हाफ हो गया, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, और एंगल 2 की वैल्यू क्या है, क्यू टी आर, और एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू एंगल 1 क्या है, ये क्यू पी आर, उसी रूप में हम निकालेंगे जिस रूप में पूछ रखा है, तो ये हमारा प्रूव हो गया। हेंस प्रूव्ड। ओके स्टूडेंट्स, तो प्लीज स्टूडेंट्स, अगर आपको ये समझ में आ गया है तो फटाफट लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और शेयर कीजिए नीडी स्टूडेंट्स के लिए, कमेंट कीजिए अगर कुछ कहना चाहते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद अगर अब तक आपने बेल आइकन नहीं दबाया तो प्लीज़ बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे सब्जेक्ट्स गुरु चैनल की। और स्टूडेंट्स, अब इसको एक बार समराइज करते हैं फटाफट, क्या दे रखा था वो तो आपको समझ में आ चुका है, दोबारा से एक बार कर लेते हैं कि हमें ये एंगल दे रखा था जिसके अंदर ये जो आगे बढ़ाई गई एस पॉइंट तक, और हमें दे रखा था कि इसका बाइसेक्टर एंगल 6 और 5 इक्वल होंगे, इसका बाइसेक्टर और एंगल 3 और 4 इक्वल होंगे, इसका बाइसेक्टर इस पूरे एंगल 8 का बाइसेक्टर आपस में मिलकर के टी पॉइंट पर मिलते हैं। हमें रिलेशनशिप निकालनी थी कि जो ये एंगल 2 है ये इसका आधा है, ठीक है, हमें ये रिलेशनशिप निकालनी थी। तो ये कैसे हो पाया, कैसे हो पाया, हमने एक्सट्रीम एंगल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया कि जो ये एंगल है इसके और इस एंगल के बराबर होगा, और फिर इसी तरीके से इस ट्रायंगल के अंदर हमने इस्तेमाल किया जो एंगल 3 है इन दोनों सम के बराबर होगा, और इसका इस्तेमाल करके हमने, और ये दोनों इक्वल दे रखे थे, हमने इस्तेमाल किया एंगल 3 के रूप में ही निकाला, एंगल 8 को 2 एंगल 3 लिख दिया, और यहाँ पर जो एंगल 3 की जो वैल्यू आई थी इस ट्रायंगल के अंदर, वो वाली वैल्यू इस ट्रायंगल के अंदर जो एंगल 3 आया उसमें पुट कर दी, इस तरीके से एंगल 3 की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, और हमारी रिलेशनशिप आ गई, सेम चीज़ जो है ये कट गई और रिलेशनशिप जो निकालनी थी वो आ गई। थैंक यू स्टूडेंट्स, ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे विद न्यू चैप्टर, प्लीज लुक एट इट प्रॉपरली।